गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर थ्री फायर इंश्योरेंस हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की कि दो टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है उसे हम जर्नल इंश्योरेंस भी कहते हैं और उसी का एक टाइप है फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस पार्ट है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का यहाँ पर जिस रिस्क के अगेंस्ट आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो है लॉस ड्यू टू फायर सेम इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर फॉलो होता है कि जो लॉस है एक पार्टी का उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी मतलब वही एक पूल ऑफ फंड्स है जहां पर जो लॉस ऑफ फ्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग मैनी तो जो फायर इंश्योरेंस है वो आपको प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लॉस और बाय फायर इंश्योरेंस का फायर इंश्योरेंस स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है और ये होता क्या है यहाँ पर वही कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर जिसके अंडर जो इंश्योर्ड है वो एग्री करता है कि कि एक वो सर्टेन सम जिसे प्रीमियम कहा जाता है वो पे करेगा इन कंसिडरेशन ऑफ दी जो एश्योरेंस उसको जो इंश्योरर है वो देगा कि वो इनडेमनीफाई उसे करेगा अगेंस्ट दी लॉस इन दी फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर तो डेफिनेशन क्या है फायर इंश्योरेंस की अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बुनियन फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन वन पार्टी undertakes to pay or make good to the other any loss or damage by fire which may happen during a particular period to specified property not exceeding a sum named as the limit of the insurer insurance or of each item thereof in consideration of an immediate fixed payment वही सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में जहाँ पर एक पार्टी अंडरटेक कर रही है कि वो पे करेगी या जो भी लॉस हुआ है उसे मेक गुड करेगी और वो लॉस अगर हुआ है ड्यू टू डैमेज बाय फायर जो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी को और जितने का आपने इंश्योरेंस लिया है उतने से ज्यादा वो पे नहीं करेगी जितनी लिमिट आपने इंश्योरेंस में मेंशन की है उसी के लिए वो पे करेगी और किस कंसिडरेशन में जो आप उसे फिक्स्ड पेमेंट प्रीमियम के फॉर्म में देंगे तो ये जो डेफिनेशन है एग्जॉटिव इन नेचर है और कवर करती हैं लॉस बाय फायर एंड लॉस इंसिडेंटल टू फायर तो जो फायर इंश्योरेंस है उसका स्कोप क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार सबसे पहले लॉस बाय फायर जो बेसिक डेंजर यहाँ पर कवर किया जा रहा है बेसिक रिस्क जो कवर किया जा रहा है दैट इज़ फायर 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 का मतलब क्या है fire को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो क्या कि या एक तो एक्चुअल इग्निशन होना चाहिए कि एक्चुअल लाइटिंग मतलब जहां से फायर ओरिजिनेट होगी वो एक्चुअल इग्निशन होना चाहिए दूसरा जो ये फर्स्ट एक्चुअल इग्निशन है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए अगर आप जान के कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं होगी तो फॉलोइंग को इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है इसके कवरेज में से अगर ओन फर्मेंटेशन के थ्रू हुई है फायर या नेचुरल हीटिंग या स्पॉन्टेनियस कंबन की वजह से हुई है या फिर जो अंडर और है उसके थ्रू हुई है या बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी अथॉरिटी के थ्रू हुई है तो कवर है। है, होता है दैट इज अंडर फायर इज लॉस ड्यू टू लाइटनिंग ऑफ क्लाउड जो बिजली चमकती है उसकी वजह से जो लॉस हुआ है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है चेरिंग भी इसी फायर डेंजर uh, में आता है चेरिंग होता है कि पार्शियल बर्न अगर हुआ है तो उसे भी हम फायर डेंजर कहते हैं फायर का रिस्क कहते हैं देन लॉस ड्यू टू टू एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन जो रिस्क है है का वो कवर्ड अप अ लिमिटेड एक्सटेंड होता है, तो जो फॉलोइंग लॉस डिस्ट्रक्शन या डैमेज है वो एक्सप्लोजन से एक्सक्लूड किया जाता है वो क्या है अगर जो बॉइलर्स हैं या उसके कंटेंट्स जो हैं रिजल्टिंग और उनका एक्सप्लोजन और इम्प्लूशन हुआ है बट जो लॉस ड्यू टू एक्सप्लोजन है ऑफ डोमेस्टिक बॉयलरस वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है देन लॉस कॉज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वो हम इसमें से एक्सक्लूड करते हैं नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू एयरक्राफ्ट जो लॉस हुआ है ड्यू टू डैमेज कॉस्ट बाय एयरक्राफ्ट या कोई और अदर एरियल और स्पेस डिवाइस और उस वहां से कोई आर्टिकल्स ड्रॉप हुए हैं उसकी वजह से वो यहाँ पर कवर किया जाता है तो जो लॉस कॉज बाय प्रेशर वेव्स होगा उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं लॉस ड्यू टू रॉयड स्ट्राइक एंड मिलीशियस डैमेज जो लॉस या विजिबल जो फिजिकल डैमेज हुआ है डिस्ट्रक्शन हुआ है बाय एक्सटर्नल वॉयलेंट एक्ट जो लॉस और डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी को वो कॉज होना चाहिए रॉयड स्ट्राइक और मिलीशियस डैमेज से तो इन्हें स्पेसिफिकली पॉलिसी जो है वो कवर करती है देन लॉस ड्यू टू टेररिज्म इस टाइप के लॉस को भी यहाँ पर कवर किया जाता है देन लॉस ड्यू टू नेचुरल पर्ल्स जो नेचुरल रिस्क डेंजर्स हैं जो लॉस डिस्ट्रक्शन या डैमेज हुआ है ड्यू टू नेचुरल पर्ल्स जैसे स्ट्रॉम आ गया साइक्लोन टाइफोन टेम्पेस्ट ह्यूरिकेन टोर्नेडो फ्लड तो ये सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं। लेकिन जो लॉस ड्यू टू अर्थ को एक एक्सक्लूड किया जाता है अगर आपको ये कवर करवाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा नेक्स्ट है आपका लॉस और डैमेज ड्यू टू इम्पैक्ट जो लॉस या डिस्ट्रक्शन हो रहा है विजिबल फिजिकल डैमेज हो रहा है रेल या रोड व्हीकल की वजह से या कोई एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से वो यहाँ पर इंक्लूडेड है लेकिन जो वहीकल है वो इंश्योर्ड का नहीं होना चाहिए ऑक्यूपायर ऑफ प्रमिसेस का नहीं होना चाहिए या जो एम्प्लॉय है जब वो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है तब नहीं होना चाहिए तो जो कवर है इन लॉसेस के लिए आप एज एड ऑन ले सकते हो एड ऑन कवर की फॉर्म में देन लॉस ड्यू टू सब्सटेंस एंड

स्लाइड्स हम कहते हैं कि अर्थ में है उसके ऊपर नीचे होने से तो जो सब्सिडेंस पार्ट है साइट का प्रॉपर्टी जिसपे स्टैंड कर रही है या लैंड स्लाइड है या रॉक स्लाइड है उसे हम यहाँ पर कवर करते हैं लेकिन जो नॉर्मल क्रैकिंग हो रही है सेटलमेंट हो रही है बेडिंग डाउन हो रहा है नेट स्ट्रक्चर का डेमोलिशन कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन या रिपेयर हो रही है प्रॉपर्टी की उसे हम यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं इन एडिशन जो भी बुश फायर मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस एक्सीडेंटल लीकेज ऑटोमेटिक स्प्रिंकल इंस्टॉलेशन से बस्टिंग और ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक सेपरेटर्स एंड पाइप से होता है तो उसे हम यहाँ पर कवर करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के इन

Uh, जो लॉस है वो पे नहीं करेगा मतलब जो एक्चुअल uh, लॉस है उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा सपोज अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है टेन थाउजेंड का लेकिन अगर आपका लॉस हुआ है सपोज ट्वेंटी थाउजेंड का और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ फिफ्टीन थाउजेंड का तो वो आपको फिफ्टीन थाउजेंड पे करेगा ट्वेंटी थाउजेंड नहीं तो जो ऑब्जेक्ट है इस प्रिंसिपल का दैट इज कि इंश्योर्ड को सेम पोजीशन में लाना जिस पोजीशन में वो लॉस के होने से पहले था तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं रहेगा किस केस में? अगर जो इंश्योरर है, वो उसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो एक फिक्स सम ऑफ मनी पे करेगा इन इवेंट ऑफ़ टोटल लॉस या जो डिस्ट्रक्शन कॉज हुई है बाय फायर या अदर पर्ल और वो उसे कर रहा है बिना लॉस को एक्से किए और प्रूफ भी नहीं उससे मांग रहा है वो एक्चुअल लॉस का उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है फायर इंश्योरेंस uh, का वो इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ऐसी भी पॉलिसी आपको अंडर फायर इंश्योरेंस अवेलेबल कंपनी करवाती है तो जो इन सेटलमेंट्स सेटलमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और कैन बी अप्रूव दैट अंडर इंश्योरेंस अगर वो प्रूव कर देता है कंपनी इन सेटलमेंट्स में कि अंडर इंश्योरेंस आपने किया है तो जो इंश्योरर है वो रिसीव करेगा प्रीमियम सिर्फ जो प्रोपोर्शन था एंटायर वैल्यू एट रिस्क पे जो था उतने का सिंपल uh, सा एग्जांपल लें सपोज आपकी जो मार्केट वैल्यू थी जिस भी प्रॉपर्टी uh, की वो सेवेंटी फाइव लाख की लेकिन आपने इंश्योरेंस करवाया फिफ्टी लाख का तो आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया है तो सपोज आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था थर्टी लाख का तो आपको थर्टी लाख नहीं मिलेगा तो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा जितना फिफ्टी और सेवेंटी फाइव की रेशो है उतना ही थर्टी का रेशो निकाल के आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडी अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फायर इंश्योरेंस का जो इंश्योर्ड है उसने एक फायर पॉलिसी ली अपने शॉप की शॉप जल गई ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो जो सम जिसने सम के लिए शॉप को इंश्योर्ड किया गया था वो कम थी एक्चुअल लॉस से तो जो इंश्योरर है वो जो मैक्सिमम अमाउंट जितने का आपने इंश्योरेंस लिया था वो पे करेगा सेम चीज जो मैंने अभी कही कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है है का लेकिन एक्चुअल लॉस हुआ है तो आपको एट थाउजेंड मिलेंगे अगर आपने इंश्योरेंस लिया है टेन uh, थाउजेंड का लेकिन लॉस हुआ है ट्वेल्व थाउजेंड का तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी टेन थाउजेंड ही पे करेगी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंडमिटी के अगर जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो कम है किससे जो अमाउंट आपने इंश्योर करवाया है तो जितना अमाउंट ऑफ लॉस आपको हुआ है सिर्फ वही मिलेगा अगर प्रॉपर्टी इंश्योर्ड आपने एक से ज्यादा इंश्योर से करवाई रखी है तो जो लॉस बाय फायर है वो पेमेंट आप किसी भी इंश्योरर से ले सकते हो किसी एक से भी ले सकते हो या सभी से भी ले सकते हो लेकिन वो प्रोपोर्शनेट में मिलेगी अगर किसी एक से ले रहे हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है बाकी जहां जहां से आपने सेम प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ था उनसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट मांग सकती है देन वेलुएशन जो होगी वो रिलेवेंट मार्केट में होगी देन जो इंश्योर है उसके पास राइट है कि वो रिकवर कर सकता है लॉस थर्ड पार्टी से अगर उसने जो डैमेजेस है वो आपको पे कर दिए हैं और इसमें जो इंश्योर्ड है वो हेल्प करेगा इंश्योरर की तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी नेक्स्ट जो हमारा है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच